वंश अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंचूंगा मनाली और हमने जो अपना रूम है वो ले लिया है और हमारा जो रूम नंबर है वो 506 सबसे टॉप फ्लोर पे है। हम जैसे ही यहाँ पे आए जो बर्फबारी थी वो स्टार्ट हो गई थी, तो इसको आप ये कह सकते हो ये हमारा लक था। तो दोस्तों ये हमारे इंद्रजीत साहब, इंद्रजीत साहब क्या कहना चाहते हो यहाँ के बारे में और कैसे आज का मौसम? आज का मौसम तो काफी खुशनुमा हो गया, जैसे यहाँ पे पहुंचे और स्नोफॉल होने लगी, होटल पहुँचते ही काफ़ी मज़ा आ गया देख करके। और जब मनाली पहुँचे थे तो बारिश हो रही थी तो काफ़ी मेरा मूड खराब था, बट अभी मूड बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। तो आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख रहे हो दोस्तों, जो स्नोफॉल है वो स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल टॉप पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ टेरेस में और यहाँ से जो स्नोफॉल का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखने को आपको मिल जाएगा, काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, जैसे हमने एंटर की यहाँ पे जो स्नोफॉल है वो स्टार्ट हो गया था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना खूबसूरत और कितना प्यारा यहाँ का जो नज़ारा वो लग रहा है। आप देख सकते हो आपको भी यहाँ का जो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो टेरेस है पूरा बर्फ से ढक जाएगा अगर ऐसे ही स्नोफॉल होती रही। तो दोस्तों हमारा जो प्लान है वो है एक दो दिन रुकने का। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ जम चुकी है कि हमें बर्फ वाली लोकेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मन कर रहा है कि यहीं मस्ती करें। दोस्तों मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ और एक्चुअली क्या मैं जो सोप था बनाने वाला साबुन कह सकते हो वो लाना भूल गया था। और ये है हमारा होटल जहाँ पे हमने स्टे किया और हमारा जो रूम है वो सबसे टॉप फ्लोर पे है। और चलते हैं नीचे की तरफ और कहाँ चलते हैं, सोप लेने चलते हैं। और आप देख सकते हो आज ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन क्या होने वाला है, स्नोफॉल होने वाला है। और ये जो एक पेड़ है ऐसा लग रहा है जैसे स्नोफॉल पेड़ है और काफी मजा आ रहा है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता यार, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये हमारे होटल के बाहर का नजारा आप देख सकते हो कितना खूबसूरत और कितना प्यारा नजारा। और मैं जा रहा हूँ कहाँ, जनरल स्टोर, और वहां से मैं खरीदने वाला हूँ कुछ सामान। और हमारे इंद्रजीत साहब ऊपर है और यहाँ आप देख सकते हो कितना मजा आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पास में ही है और यहाँ जितनी भी आप ये देख सकते हो क्या बोलते हैं गाड़ी को, सारी गाड़ी बर्फ से ढक चुकी है और मन कर रहा है कि यही मैं अपनी मतलब जो टाइम है पूरा जो टाइम है मैं यही स्पेंड करूं। और देखते हैं कितना दूर है यहाँ से अपना जो जनरल स्टोर है। और यहाँ की जो गलियाँ हैं और यहाँ के जो रोड्स हैं काफ़ी आपको क्लीन और साफ सुथरे देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता यार, इतना अच्छा इतना खूबसूरत नज़ारा। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे आते साथ ही इतना खूबसूरत और इतना प्यारा नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। और भैया से पूछते हैं कि यहाँ पे जनरल स्टोर कहाँ पे, भैया कहाँ पे यहाँ पे जनरल स्टोर? जनरल स्टोर यहाँ से सामने दिख जाएगा। तो भैया भैया बता कह रहे हैं कि जो जनरल स्टोर पास में ही है और वहाँ से कुछ जो हमारे सामान है जनरल यूज़ के लिए वो परचेस करते हैं और फिर चलते हैं वापस अपने रूम में और मैं भी फ्रेश होऊंगा, देन उसके बाद चलेंगे कहाँ कहाँ खाना खाने। तो दोस्तों यहाँ से हम अपना जो डिटॉल शॉप है और दो तीन जो आइटम्स है वो परचेज करेंगे। और इनसे पूछते हैं जो बुद्धा टेम्पल है वो कहाँ पड़ेगा, बिकॉज वहाँ हम जाने वाले हैं और वहाँ करने वाले हैं क्या लंच। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ की जो सड़कें हैं वो पूरी बर्फ से ढक चुकी हैं और आप देख सकते हो यहाँ सड़कों के साथ साथ जो घर के जो टॉप्स होते हैं वो भी बर्फों से पूरा ढक चुका है। और आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ वो भी पूरी बर्फ से ढक चुकी है और इतना प्यारा नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो नज़ारा है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और जो मुझे सामान परचेज कर रहा था वो मैंने परचेज कर लिया है। और यहाँ से अपना जो डिस्टेंस है होटल को ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा पास में ही है, मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता होगा। और देखते हैं हमारे इंद्रजीत साहब रेडी हुए कि नहीं। तो दोस्तों फाइनली हमने कर लिया क्या लंच और लंच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ का जो मौसम है वो ऐसा ही रहेगा। और कहते हैं कि ये जो स्नोफॉल है मोस्टली रात का टाइम होता है, बट इस बार ये जो स्नोफॉल है दिन के टाइम हो रहा है। तो मेरे बिल्कुल बैक साइड है ये बुद्ध टेम्पल। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको अपना एक्सेस जो बैटरी वो लेके चलना चाहिए, फिर पावर बैंक, बिकॉज यहाँ पे जो बैटरी काफ़ी तेज़ी से कंज्यूम होती है।
तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी लेके जरूर आए। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अपने होटल, वहाँ करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। दोस्तों यहाँ पे जो बर्फ है वो बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही, आप देख सकते हो। गाड़ियों के ऊपर भी आपको यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलेगी और हमारे जितने भी रास्ते थे वो सारे बंद हो चुके हैं जाने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं कहाँ, अपने होटल में करेंगे रेस्ट और उसके बाद चलेंगे कहाँ, दूसरी लोकेशन पे निकलेंगे 4 या 5 बजे के आसपास घूमने के लिए। और हमारे इंद्रजीत साहब, इंद्रजीत साहब क्या कहना चाहते हो? इस ठंड में कुल्फी जम गए भाई साहब, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कुछ टाइम के लिए अभी होटल जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे और हाथों और पैरों में गर्माहट लेंगे, उसके बाद फिर से वो निकलेंगे। जरा इधर का सीन दिखाओ वाइट वाइट साथ। तो दोस्तों आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये सीन है रोड के अंदर। एक्चुअली मैंने मतलब उम्मीद नहीं लगाई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। और इंद्रजीत साहब हमारे साथ मस्तियाँ करते हुए मजे लेते हुए, तो आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये मोनेस्टी है। मैं क्या बताऊँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मन करता है कि मैं अपना जो लाइफ टाइम है वो यहीं स्पेंड करूं और हर साल यहां पे आऊं और यहां की जो खूबसूरती है उसका आनंद लूं। और आप देख सकते हो घर के अंदर, ओ भाई कर दिया बवाल, मचा दिया उसने बवाल भाई। देख सकते हो घर के अंदर आपको बर्फ़ें देखने को मिल जाएंगी, पेड़ों के ऊपर बर्फ़ें देखने को मिल जाएगी, हर जगह बर्फ़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं। और यहाँ पे इंद्रजीत साहब मस्ती करते हुए रहने दे भाई, रहने दे ओह माय गॉड। तो दोस्तों हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, आराम। और हमारे इंद्रजीत साहब कह रहे थे कि 4 बजे हम जाएंगे कहा, हिडम्बा जो देवी टेंपल है वहाँ जाने का इनका मन था, बट क्या करें, रजाई में घुसने के बाद भाई मन नहीं करता किसी का निकलने का। अभी जब से हम लोग इस रजाई में घुस गए हैं वहाँ जाने के बाद, भीगने के बाद, तब से इसके बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। और ना तो कहीं बाहर बाथरूम करने के तक भी जाने का मन नहीं कर रहा है, तो बाहर क्या ही जाएंगे होटल से। और मैं तो बस ऐसे इसी पे लेटा रहूँगा, अभी 7-8 बजे तक ज़्यादा खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, तब तो भाई मैं तो नहीं खेलने वाला। तो चलिए दोस्तों करते हैं थोड़ा सा आराम, उसके बाद चलेंगे शाम को क्या करने, डिनर करने। तो दोस्तों हम अपना जो डिनर है वो यहाँ करने वाले हैं, और जो हमने अपना लंच है वो यहाँ किया था। और आप देख सकते हो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आए, बिकॉज शाम के टाइम जो ठंड वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंद्रजीत साहब को देख लीजिए, दोपहर के टाइम उन्होंने मफलर नहीं डाला था, बट अभी उन्होंने अपना मफलर डाल लिया है। और हमारी जो नान है वो बैक साइड बन रही है, और इंद्रजीत साहब खाएंगे कितने नान, 2 नान, और मैं खाऊंगा कितने, 1 नान। तो ये है हमारे साहब जिन्होंने दोपहर के टाइम परोसा था और हमारी अच्छी खासी देखभाल की थी। तो इंतजार करते हैं अपने नान का, डायरेक्टर उसके बाद फिनिश करते हैं और चलते हैं कहां, गोल रोड की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हमने अपना कर लिया डिनर कंप्लीट और हम आ चुके हैं मॉल रोड पे। और आप देख सकते हो आपको यहाँ पे चारों तरफ मार्केट देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ पे हर प्रकार की चीजें देखने को भी मिलेगी और आप परचेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारे इंद्रजीत साहब थोड़े से उदास से लग रहे हैं, आप देख सकते हो उदास का लग रहा है, हल्की हल्की से बूंदे पड़ रहे हैं। दूसरा ये कि मेरे पैर बहुत ठंडे हो गए क्योंकि जूते पूरे गीले हुए पड़े हैं और हाथ में कपकपी से लग रहे हैं, बहुत ठंडे, बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो गए हाथ मेरे। और देर ना करते हो चलते हैं कहाँ, अपने होटल चलो, जल्दी से रजाई लेके सो जाते हैं। जैसा कि आपने कुछ देर पहले हम दोनों को रजाई के अंदर देखा था मस्ती करते हुए, वही मस्ती हम करने वाले हैं होटल में जाके और अपनी जो नाइट स्पेंड करने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं कहाँ, अपने रूम टूर पे, मींस अपने रूम पे पहुंच चुके हैं और हम आ चुके हैं कहां से, माल रोड पे। और ये हमारे इंद्रजीत साहब जो हमसे थोड़ा सा नाराज है। हाँ भाई, मैंने पोर्ट्रेट बोर्ड में फोटो क्या खींच ली, इस बंदे की जल गई थी इसलिए मैं नाराज हूँ। लड़कियों की तरह पोज दे देके इसने अपनी फोटो खींची है भाई साहब। तो दोस्तों आप देख सकते हो क्या कह रहे हैं मुझे, लड़कियों की तरह, क्या लगता हूँ मैं लड़कियों की तरह, बिल्कुल नहीं। और कैसा लगा आपको माल रोड लगा? हाँ तो एक बात क्लियर हो गई है कि मॉल रोड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं माल रोड। दोस्तों अपनी जो वीडियो यही करते हैं एंड, और काफी मजा आया दोस्तों नाइट लाइफ को देख के कहा की मनाली की। मिलते हैं सुबह और इस वीडियो को करते हैं कहा, यहाँ पे एंड।